झुमके अनाज बोलते हैं गढ़वाली में, और फिर ये कट्टा कम से कम 30-35 किलो का होगा। कटाई हो चुकी है, इसे अनाज झड़ गया है ना, निकाल दिया गया है, तो यहाँ पे सुखाने रख रखे हैं। तो सुबह की शुरुआत भी हो चुकी है अभी, और अभी तो यार मस्त सा मौसम हो रखा है, गाँव में कड़क सी धूप लग रखी है, और सभी लोग अभी खेतों में जा रखे हैं मंडाई करने के लिए। सभी लोग अभी खेतों में जा रखे हैं मंडाई करने, और हमें भी जाना है अभी सामने उस खेत में। मम्मी लोग तो पहले से जा रखे हैं, मम्मी और भाई, अभी सिर्फ मेरे को जाना है। मौसम ख़राब हो रखा था, अभी तो बादल भी एकदम घर की ओर जाने लग गए हैं। तो हम भी चलते हैं अब खेतों में मंडाई करने के लिए, क्योंकि मम्मी और भाई है ना वहाँ पे सिर्फ। तो चलता हूँ मैं भी अब, और अब काफ़ी रेड बनने वाली है, और मंडाई को गढ़वाली में कहते हैं मंडोआर्थ। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से होती है पहाड़ में मंडाई। बहुत बहुत लोगों ने तो की भी होगी कि एक्सपीरियंस, और जिन्होंने नहीं की वो आ जाओ मेरे गांव एक्सपीरियंस करने के लिए। चले दोस्तों, फिलहाल पहुँच चुके हैं हम खेतों में, और मम्मी लोग तो सुबह के आ रखे हैं, और मैं अभी आया तो कल बारिश हुई थी ना, इसलिए देखो यार पूरा यहाँ पानी पानी हो रखा है, और जितना भी अनाज है ना ये पूरा पानी से भीग रखा है यार। ऐसा मतलब अजीब सा पूरा गीला हो रखा है ना, और फिर वो झड़ भी नहीं रहे, और यहाँ पे ये पूरा अनाज इकट्ठा हो रखा है। ये देखो एकदम कैसा वाला अनाज है, ये झुमके अनाज बोलते हैं गढ़वाली में। लाई हो चुकी है, इसे अनाज झड़ गया है ना, निकाल दिया गया है, तो यहाँ पे सुखाने रख रखे हैं, और पूरे खेतों में चारों ओर यही दिख रहे हैं, और इनको गढ़वाली तो वाला खेतों में मार दिया है। और अभी आए हम दूसरे वाले खेत में, सामने हमारे जितने भी खेत दिख रहे हैं ना ऊपर नीचे वाले, जिनमें पराड़ दिख रहे हैं वो सारे हमारे हैं, पर उधर साइड तो सारी जगह पराड़ दिख रहे हैं यार। ये देखो जहाँ पे 1-2-3 जगह पराड़ दिख रहे हैं ना, वो हमारे खेत हैं। और अभी दूसरे वाले खेत पे आ गए हैं, अब यहाँ पे करेंगे मंडाई और फिर चलेंगे आराम से घर। आसमान भी ख़राब होने लग गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब बारिश होने वाली थोड़ी देर में। चलते फिलहाल अभी ऊपर घर पहुँचाते हैं अनाज को। काफ़ी आफत आ गई यार, और ऊपर से धूप भी काफ़ी कड़क लग रही है ना, तो एकदम पसीने पसीने से हो गया हूँ। और फिर ये कट्टा कम से कम 30-35 किलो का होगा या ज़्यादा ही होगा, तो अभी ले जाती है आराम से घर पे। भयंकर वाली रेड़ मर गई है यार, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इसे ये पेट में कुछ सामान ला रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे नार रख दिया है मैंने, और अब फिर से चलते हैं खेत में, क्योंकि अभी तो 2-3 खेत रह रखे हैं जिनकी मंडाई करनी बाकी है, तो मेरे को नार लाना है अभी पर 2-3 कट्टे और। तो चलते हैं अभी। तो चले दोस्तों, आगे टाइम आ गए थे हम खेत से, और थोड़ा मैं सो गया था, अभी 5 बजने वाला है टाइम। और अभी आप मौसम देखो यार, ज़रा एकदम खतरनाक हो रखा है, सामने बादल देखो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली हो, और वहाँ साइड तो काले काले बादल भी आ गए हैं। मतलब ये लगा लो कि बारिश आजकल गाँव में तो रात को डेली होती है, और फिर अभी एकदम कड़क वाली धूप लग जाती है। और यहाँ पर भी मम्मी ने सुखाने के लिए नाच वगैरह डाल रखा है, कि अगर बारिश होगी तो नाच को बटोल देना, तो साइड में एक जगह इकट्ठा कर देना। फिलहाल अभी देखते हैं बारिश कब तक होती है। अब कुछ टाइम बाद बारिश होने वाली है, तो इसलिए मैं इसको इकट्ठा कर दे रहा हूँ, वरना ये गीला हो जाएगा तब फिर से काफी टाइम लगेगा इसको सुखाने में।